हाँ ये विशेषता देखो, गुरु का स्वभाव, गुरु का गुण सत्पात्र अधिकारी शिष्य में आ जाता है। पिता का स्वभाव, पिता का गुण अधिकारी पुत्र में आ जाता है। और महाराज भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण भगवान के जो आश्रित भक्त हैं उनमें आ जाता है। भगवान के भक्त भगवान के जैसे ही बन जाते, वे भी आप्त काम हो जाते, पूर्ण काम हो जाते। ठाकुर जी में प्रेम हुआ ना, तो प्रेम हुआ तो सारी चीजें फिर हृदय से निकल जाती हैं और उनके हृदय की ऐसी स्थिति बन जाती है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी देना चाहते, बोले तुम मांग लो मांग लो। बोले महाराज हमें कुछ चाहिए नहीं। अगर आप देना चाहते हैं तो यही दें कि मेरे मन में कोई इच्छा ही ना उत्पन्न हो, ऐसी बात मांगते हैं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो ये अपने हृदय की हम परीक्षा भी इससे कर सकते हैं। यदि हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी वासना कामना है, तो समझना चाहिए कि अभी हृदय की जो स्थिति है वो बिगड़ी हुई है। अभी मन जो है पूरी तरह से निर्मल नहीं हुआ, मन में अभी ठाकुर जी की प्रेम, ठाकुर जी की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। ये हमारे हृदय की परीक्षा भी हो सकती है। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं कि जो संत हैं वे भी कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम लोगों के भाव को स्वीकार करके और वे हमारी भावना का आदर करते हुए हमारी किसी वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, अपने काम में ले लेते हैं, व्यवहार में ले लेते हैं। तो ये उनकी कृपा है, उनका अनुग्रह है। अब ये संसार के लोग सोचते हैं, आप तो ऐसा नहीं सोचते होंगे, संसार के लोग सोचते हैं कि अरे संत महात्मा एसी में क्यों रहते हैं, बढ़िया गाड़ी में क्यों चलते हैं, और इतना बढ़िया आश्रम बना रखा है, और ये तुम्हारा, ये तो भोगी विषयी भोगी पुरुषों की तरह रहते हैं। संत महात्मा तो जंगल में चले जाएं और वहां तप करें, भजन करें, और महाराज वो घोर कठोर तपस्या करते हुए जीवन जिए। तो वे संत महात्मा तो यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में तप हो, त्याग हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, ये संसार की सुख सुविधा न हो। वे अपनी इच्छा से इकट्ठी नहीं करते, लेकिन वो महाराज ठाकुर जी की इच्छा से और वो भक्तों के देने वाले के आग्रह से और उनके उनका भाव, उनके भाव का आदर करते हुए वे उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसमें उनकी कृपा है, करुणा है। और हमें तो ये बात अच्छी लगती है कि महापुरुष बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में चले हैं। अरे बढ़िया से बढ़िया गाड़ी क्या तुम लोगों के लिए बनाई है? ये जो ऐसा लोग कहते हैं क्या ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए ही मर्सिडीज और ऑडी बनाई है, भक्तों के लिए नहीं? अरे सब भगवान की रचना है। ये सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने बनाई। ये वैज्ञानिकों के दिमाग में बैठ करके भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने एसी बनाई, बढ़िया गाड़ी बनाई, तो विषयी भोगी पुरुषों के लिए बनाया नहीं, अपने भक्तों के लिए बनाई। अब फिर पीछे से तुम उसका लाभ ले लो तो ले लो, लेकिन वो सब चीजें ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए, क्योंकि अपने भक्तों को भगवान बड़े बड़े सुख पूर्वक रखना चाहते हैं, बड़ी सुख सुविधा से, बड़े बड़े उससे लाड़ दुलार प्यार से रखना चाहते हैं। इसलिए सब चीज बनी है, संतों के लिए बनी है। संत इसका उपयोग करें, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है। हम लोगों के लिए नहीं है, भगवान का, अच्छी वस्तु भगवान के लिए है और भगवान के भक्तों के लिए है। तो इसमें ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि अरे ये कैसे संत हैं, ये तो इतनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं और इतने उसमें चलते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा खाते पीते हैं। बढ़िया से बढ़िया चीज सब संतों के लिए होनी चाहिए, और वे अपनी इच्छा से नहीं करते, भगवत इच्छा से करते हैं। अब हमारे श्री प्रेमानंद बाबा हैं, श्री महाराज जी हैं, तो वो महाराज, ऐसा हमने सुना है कि अब तो वो पैदल आने लगे हैं। पहले जब वो गाड़ी से आते थे तो आपके दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। उनसे कहते महाराज जी आप हमारी गाड़ी में बैठ कर चलो, हमारी गाड़ी में बैठ कर चलो। और वो रोज नई नई गाड़ी में, महाराज 50-50 लाख की रोज नई नई गाड़ी बदलती उनके लिए। अब तो उन्होंने गाड़ी का सिस्टम बंद कर दिया, पैदल पैदल आते हैं। तो महाराज देखो इनकी इच्छा नहीं है, भक्तों का भाव है। बोले महाराज आप कृपा करो, ये हमारी गाड़ी, इसमें आप चलो।
उनके भाव का आदर करते हैं, तो इसलिए बैठ गए। तो बैठ गए क्यों? तो बैठना चाहते हैं इसलिए बैठ गए? नहीं, आपके हृदय का भाव है इसलिए बैठ, ठाकुर जी की इच्छा इसलिए बैठ। तो इसलिए संत भी ऐसे ही होते हैं, भगवान भी, तो भगवान तो है ही पूर्ण काम आप्त काम। तो जैसे हम लोग सूर्य को दीप दान करते हैं, वैसे अनेक प्रकार की सामग्री से द्वारिका वासी भक्तजन वे भगवान की पूजा कर रहे हैं। वाह! तो इसमें हमने ये बात हमारे दिमाग में आई, लोगों का बड़ा प्रश्न रहता है, हमसे बहुत लोग पूछते हैं, बोले आप कहते हैं इतने अच्छे संत हैं, इतने अच्छे संत हैं, तो ये ऐसे क्यों रहते हैं, ऐसे इनके रहने का? तो हम निवेदन ये करते हैं कि वो अपनी इच्छा से नहीं रहते, वो भगवान की इच्छा से रहते हैं। और भक्त का भक्त कौन है? बोले जो भगवान की इच्छा में अपना मन मिला है, जो जो अपने मन की नहीं, अपने स्वामी की मन की कराना चाहे, जो भगवान की इच्छा में अपना मन मिला दे वही भक्त है। और जो सदैव अपनी इच्छा का ही वो करता है कि मेरी इच्छा ये, मेरी इच्छा ये, मेरी इच्छा ये, वो बोले वो संसारी विषयी पुरुष है। तो ये बात मेरे मन में आई, तो मैंने उसको आपसे निवेदन कर दिया। भगवान का दर्शन करके सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, और वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री द्वारकाधीश की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बात करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे भी बोलना सीखते हैं तो अपने पिता से तोतली भाषा में बात करते हैं, इसी प्रकार सभी द्वारका वासी जन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उस प्रसंग का, उस समय का ये श्लोक है, वे कह रहे हैं नतास्मते नाथ सदांगी पंकजम विरिंच वेरिंच सुरेंद्र वंदितं पारायणं क्षेममिहे क्षतां परं नयत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। हे नाथ, हम आपके उन चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा, शंकर जी के द्वारा, देवराज इंद्र के द्वारा वंदित हैं। हे नाथ, आपके वे चरण कमल जो कल्याणकामी पुरुषों के परम आश्रय हैं, और महाराज जिनका आश्रय लेने पर फिर काल का भी प्रभाव उनके ऊपर कुछ नहीं चलता, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं। और हे नाथ, हे विश्व भावन, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, सुहृद स्वामी हैं, आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये वाला भाव द्वारिकावासी कह रहे हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं नाथ। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं, आप ही हमारा कल्याण करिए। भवायनस्त्वं भव विश्वभावन् त्वमेव माता सुहृत्पिता सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च देवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनोपभूविम। द्वारिकावासी कह रहे आप ही हमारे सदगुरु हैं। देखो, जिनकी सदगुरु की खोज पूरी नहीं भई, वे भगवान को ही अपना गुरु बना ले, एक भाव तो ये है। और दूसरा भाव ये है कि जो सदगुरु हैं वे भी आप ही हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा। सदगुरु में और श्री कृष्ण में भेद नहीं, हमारे जो हमें जो गुरु रूप में जो संत मिल गए हैं, जो भगवान के प्रेमी मिल गए हैं, भक्त मिल गए हैं, उनके रूप में हमारे प्रभु ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। तो दोनों बातें हैं, जो गुरु हैं वे भी श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण भी गुरु ही हैं। अगर यहाँ संसार में हमारी गुरु की खोज अभी पूरी नहीं भई, हमें गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय नहीं मिला, तो भगवान ही गुरु है।
कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत संसार के गुरु भगवान है और उनका जो नाम है वही मंत्र है, वही गुरु मंत्र है। तो इसलिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के नाम का वो करो, आश्रय करो। तो संसार में अगर आवश्यकता होगी तो ठाकुर जी ऐसी लीला बना देंगे कि आपको घर बैठे गुरु मिल जाएंगे, ऐसे कोई महापुरुष आ जाएंगे जहां आपकी श्रद्धा जम जाएगी, आपको गुरु मिल जाएंगे। और नहीं भी आवश्यकता होगी तो फिर भगवान कृपा करुणा करके स्वयं दर्शन देंगे और उद्धार कर देंगे। तो इस प्रकार से भगवान ही गुरु हैं। और यहाँ एक शब्द आया विश्व भावन, हे नाथ आप विश्व भावन है, सारे संसार भर को आप प्रिय हैं। भगवान का नाम है विश्व भावन, आप सारे विश्व के मन को भाते हैं। लेकिन संसार में तो ऐसा देखने में नहीं मिलता कि यहाँ सबको, सबके मन को तो प्रभु नहीं भाते। किसी के मन को स्त्री भाती है, किसी के मन को धन भाता है, किसी के मन को गाड़ी भाती है, किसी के मन को घर भाता है। तो संसार के लोगों की तो अलग अलग वो है, रुचियां हैं। तो ये बात कैसे प्रमाणित हो विश्व भावन? तो महाराज इसमें महापुरुष कहते हैं कि भैया संसार के जो वस्तु और पदार्थ और व्यक्ति हैं उनमें श्री कृष्ण की सत्ता है, इसलिए वो प्रिय लगते हैं। तो उनके रूप में हम पहचान नहीं पाते, उनके रूप में भी हमें प्रिय तो श्री कृष्ण ही लग रहे हैं। भाई अगर हमारा शरीर से प्रेम है, किसी से प्रेम है, तो उसके भीतर जो ठाकुर जी बैठे उनकी जो ज्योति है उसी से तो प्रेम है। अगर वो निकल जाए तो शरीर से किसी का प्रेम रहता है? शरीर को फिर क्यों जला आते हो, क्यों उसको फिर समाधि दे देते हो? जब भगवान निकल गए तो शरीर से किसी का प्रेम नहीं रहता। तो इससे प्रमाणित होता है कि शरीर के भीतर जो श्री कृष्ण है उनसे ही प्रेम है वस्तुतः। लेकिन हम अभी समझे नहीं, हम अभी अज्ञान में है, अंधेरे में है, इसलिए हम भगवान को भूले फिरते हैं और संसार को अपना वो बना लेते हैं, प्रिय बना लेते हैं। और सब वस्तुएं भी भगवान का ही स्वरूप है, सारा संसार भगवान से ही बना है। जैसे मिट्टी से जो कुम्हार होते हैं, मिट्टी का काम करने वाले जो कुम्हार होते हैं, वो मिट्टी से तमाम तरह के वो बना देते हैं, घड़ा बना देंगे और महाराज कुल्हड़ बना देंगे, सरैया बना देंगे, सकोरा बना देंगे, तमाम तरह के पदार्थ बना देते हैं। वो देखने में तो अलग अलग होते हैं लेकिन है तो वो सब मिट्टी ही, या मिट्टी से तो अलग नहीं है, सब तो मिट्टी ही है। अब वो उनके काम भी अलग अलग होते हैं लेकिन है सब मिट्टी, और अंतिम में सब मिट्टी हो जाएंगे। पहले भी मिट्टी है, बीच में भी मिट्टी है, लेकिन उनका स्वरूप बदला हुआ है और अंत में भी सब मिट्टी बन जाएंगे। इसी प्रकार ये सब सृष्टि भगवनमयी है, भगवान से ही उत्पन्न हुई है, भगवान के ही रूप में अब हमें भास रही है और भगवान में ही अंत में विलीन हो जाएगी। ये जीव और प्रकृति अंत में भगवान में ही विलीन हो जाते हैं, कुछ नहीं रहेगा, जल ही जल रह जाएगा। और जल जो है वो भगवान नारायण का स्थान है, नारायण की रहने का निवास है, केवल जल ही जल रह जाएगा जब प्रलय होती है, कुछ नहीं रहता। तो महाराज अंधेरा और जल, सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश सब भगवान में वो लुप्त हो जाते, लोप हो जाते भगवान में। तो ये बात विश्व भावन है, सारे संसार में भगवान ही है, इसलिए हम हमें सब संसार प्रिय लगता है। आगे कह रहे हैं, हे नाथ हम आपको पाकर सनाथ हो गए। आहा, ये यहाँ एक शब्द है, अहो अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्ट पानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मिता स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम् तव सर्वशोभगम्। हे नाथ हमें बड़ा आनंद है हम आपको पाकर सनात हो गए। जब तक आपके चरणों का आश्रय नहीं था तब तक हम अनाथ थे, और नाथ अब आपके चरणों का आश्रय मिल गया, हम सनात हो गए। क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते हैं,
महाराज ऐसा स्वरूप जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगी त्यागी वे बड़े तल्लीनता पूर्वक बड़े तप त्याग पूर्वक आपका ध्यान करते स्मरण करते हैं, उनके ध्यान में कभी आपके स्वरूप की झलक आती है, कभी एक झलक उनको दर्शन होती है। सदैव उनके ध्यान में आप नहीं बने रहते। शंकर जी भी जिनको समाधि में ढूंढते रहते हैं, वे सर्व सौंदर्य सार, सर्व सौंदर्य सार का माने जो जगत जगत में सारी सुंदरता है उसके सार जो भगवान है, जैसे दूध का सार है घी, जो सुंदरता के भी सार है, ऐसे प्रभु हम आपको आंख भरकर देख रहे हैं। आह, आंख भरकर के हम आपको देख रहे हैं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। हम सनात हो गए, कितना सुंदर आपका मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान आपके मुख पर छाई हुई है। आहा, और ये आपकी प्यारी चितवन, तिरछी चितवन, आहा, ठाकुर जी जो जिस तरह से देखते हैं, ओहो क्या कहने वाला है। किसी भाग्यशाली को भगवान की नैनों की चितवन कभी मिले तो फिर उसके हृदय का जो आनंद है वो बताए, और हम क्या बतावें। हम तो महाराज ये अनुभव करते हैं प्रभु जी, हम तो ये अनुभव करते हैं जब कभी गुरुदेव हमें कृपा पूर्वक देखते हैं चितवन से, आहा, उस समय हमारा इतना आनंद होता है। तो गुरु रूप में श्री कृष्ण ही है, प्रभु ही है, तो हम तो ये अंदाजा लगाते हैं कि जब इनकी चितवन इतनी प्यारी है तो उनकी चितवन तो क्या कहना, जब वो देखते होंगे किसी के ऊपर हो क्या कहना, जब एक गोपियों की ऊपर देखते हैं, जब अपने भक्तों को मुस्कुरा कर देखते हैं, आहा, बहुत महाराज उनकी चितवन अद्भुत है, आनंद करने वाली है। यह दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, जो दर्शन हमें हो रहा है। बुजाक्षा पससार भो भवान कुरुन मधुं गाथ सुहृत रक्षया तत्राब्दकोटि प्रतिमः क्षणो भवेद रविं विनाक्षुरोरिव नस्तवाच्युत। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले जाते हैं अथवा मथुरा चले जाते हैं, जब आप कहीं इधर उधर घूमने फिरने चले जाते हैं तो महाराज आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपके बिना हमारा क्या होता है, हमारा क्या हाल होता है, आपने कभी सोचा है? आप तो चले गए मिलने अपने बंधु बांधवों से, आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान, एक एक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होता है। आहा, क्या कहना। और महाराज आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना, सूर्य के बिना आंखों की स्थिति होती है। सूर्य के बिना जब अंधेरा हो जाता है आंख बेचारी बिल्कुल अंधी सी हो जाती है, है? आहा, ऐसे ही आपके बिना अंधेरा ही अंधेरा है, जब आपको न देखें, बिना देखे तुम्हें मोहन नहीं हमसे रहा जाता। आहा, बिना देखे, हाँ एक बड़ा सुंदर भाव है, वे कह रहे हैं महाराज आपके बिना हमारा पलक पलक समय वर्षों के समान बीतता है, बिना तुमको देखे मेरे प्राण वल्लभ, बिना तुमको देखे मेरे प्राण वल्लभ, पलक भर समय भी बहुत लागता है, पलक भर समय भी बहुत लागता है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है,
न समझाए से मन मेरा मानता है, न समझाए से मन मेरा मानता है। रहो सामने मेरे नैनों के हर दम, रहो सामने मेरे नैनों के हर दम, यही दास कर जोड़ कर मांगता है, यही दास कर जोड़ कर मांगता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है कन्हैया, तेरे दर्शन बिना नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता, बिरह काहे बड़ा सागर, बिरह काहे बड़ा सागर, नहीं हमसे तरा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता, कन्हैया तू दयालु है मेरे ऊपर दया कर दे, कन्हैया तू दयालु है मेरे ऊपर दया कर दे। तुम्हारी चाह अग्नि से, तुम्हारी चाह अग्नि से ये सारा तन जला जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। हे प्यारे श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हमने सुना है आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, और दयालु का ऐसा स्वभाव होता है कि किसी दुखी को देखकर उसका हृदय दया से भर जाता है। महाराज मेरी दशा तो देखो, मेरी दशा देखो, मैं कितना दुखी हूं। आपकी आपके दर्शन की व्याकुलता ऐसी मन में बस रही है, ऐसी आग हृदय में लगी है कि उस आग से, आपके दर्शनों की इच्छा रूपी आग, उस आग से सारा शरीर जल रहा है। उस शरीर से, उस आग से मेरा शरीर जला जाता है नाथ। अब ऐसी दीन दशा पर देखकर, दुखी दशा को देखकर आपको दया आनी चाहिए, आपको दया करनी चाहिए। तुम्हारी चाह अग्नि से ये सारा तन जला जाता। एक हमें बात याद आ रही है, जब रास लीला के प्रसंग में शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्राण प्यारे श्री वृंदावन बिहारी लाल ने, बांके बिहारी लाल ने अपने अधरों पर मुरली पधराई, बंसीवट पर मुरली बजाई, तो मुरली की धुन सुनकर के गोपियां बेचारी बेसुध हो गईं, बेहाल हो गईं और दौड़ पड़ी सारा काम धंधा छोड़ करके, और वे श्री कृष्ण की ओर दौड़ी है, यमुना जी की ओर दौड़ी है, जहां से बंसी की ध्वनि आ रही है वहां के लिए दौड़ी। तो उस समय उनके पतियों ने, उनके पुत्रों ने, उनके घर परिवार के लोगों ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वे उन सबके रोकने पर भी नहीं रुकी। सब संसार के संबंधों को, बंधनों को तोड़कर, छोड़कर श्री कृष्ण की ओर आई।
लेकिन उस समय ऐसा वर्णन आया है, उस समय कुछ गोपियां, वे महाराज, उनको जबरदस्ती बलपूर्वक रोक लिया गया और उनको बाहर से सांकल लगा करके, ताला लगा करके उनको कमरों में बंद कर दिया गया, जिससे वे रात्रि के समय कहीं बाहर न जा पावे। तो उस समय महाराज उनके हृदय में इतनी विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई कि उनका शरीर भस्म हो गया, ऐसी जोर की आग। ऐसा भागवत जी में वर्णन है, आगे हम रास लीला के प्रसंग में उसका स्मरण करेंगे कि विरह की अग्नि में उनका शरीर भस्म हो गया, जल गया, ऐसी जोर की विरह की आग। तो ये विरह की आग महाराज बड़ी भयंकर है, व्याकुल, ये बेहाल करने वाली है। इसीलिए महात्माओं ने, संतों ने, प्रेमियों ने कहा, भैया ये प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, अगर इस पर चलना चाहते हो तो एक हाथ में तलवार लेकर के चलो, कब अपना सिर काट करके रखना पड़े, कब अपने प्राणों का विसर्जन कर करना पड़े। तो बोले महाराज, ये प्रेम का मार्ग तो प्राणों का बलिदान भी चाहता है, तो ऐसा ही मार्ग है। तो ये जो जो विरह की जो अग्नि है, जो विरह का जो दुख है, वो सबसे बड़ा दुख है। एक संत का पद है, संत का एक भाव है, बोले वे कह रहे हैं, कवि कबीरदास जी का भाव है सर, वे कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। वे कह रहे, सारा संसार आनंद ले रहा है, खूब मौज में है, खूब खाते पीते सोते विषयों का भोग करते, लेकिन बोले सार संसार में सबसे दुखी तो ये कबीर दास है, जो रात रात भर जागता है, रोता रहता है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता, तुम्हारे प्रेम ने मोहन मुझे पागल बनाया है, तुम्हारे प्रेम ने मोहन मुझे पागल बनाया है, गुजरती मुझ पे जो जो है, गुजरती मुझ पे जो जो है, नहीं हमसे कहा जाता, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता, तुम्हारा रास्ता तकते गई पथरा मेरी आंखें, तुम्हारा रास्ता तकते गई पथरा मेरी आंखें, ना हमसे इंतजारी का, ना हमसे इंतजारी का, ये भारी दुख सहा जाता, ये भारी दुख सहा जाता, है अद्भुत प्रेम का मार्ग, है अद्भुत प्रेम का मार्ग, न आता मेरे कहने से, कहते नहीं बनता, प्रेम का मार्ग ऐसा अद्भुत है, कहते नहीं बनता, है अद्भुत प्रेम का मार्ग, ना आता राम कहने में, ना मरते हमसे बनता है, ना मरते हमसे बनता है,
नहीं हमसे जिया जाता। आहा, बोले मर भी नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि आपके मिलन की आशा है, आप मिलेंगे, कभी ना कभी दर्शन देंगे, इसलिए आपके दर्शन की इच्छा से जी रहे हैं। और महाराज, जीना तो आपके वियोग में बड़ा कठिन है ही। न मरते हमसे बनता है, नहीं हमसे सहा जाता। कन्हैया तेरे, न मरते हमसे बनता है, नहीं हमसे जिया जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन, नहीं हमसे रहा जाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक जय महाराज, कहीं बात हमने सुनी थी कि कोई प्रेमी, उसका अपने प्रेमी के वियोग में शरीर छूट गया, और महाराज उसकी मरे शरीर छूटा नहीं, छूटने वाला था, ऐसा लगा कि अब महाराज जी नहीं पाएंगे। तो उसने कहा, उसका भाव है कि वो कौवे कौवे को देख करके कहता है, कहती है कोई प्रेम प्रेयसी, वो कहती है कि हे कौवा, जब मैं मर जाऊंगी तो तू मेरा सारा शरीर नोच लेगा, खा लेगा। तो एक मेरी प्रार्थना है कि आंखों को तू मत नोचना, क्योंकि ये आंखों से पिय मिलन की आस है। जब पिया आएंगे तो इन आंखों से उसका दर्शन, भले ही मर जाऊंगी लेकिन आंखें रही आमे, तो इन आंखों से दर्शन करूंगी, ये आशा है। तो इसलिए महाराज, मरते भी नहीं बनता, कैसे मरे? आपके दर्शन की बड़ी भारी आशा है, व्याकुलता है आपका दर्शन, क्योंकि बिना शरीर के कैसे दर्शन करेंगे। तो इसलिए महाराज, न मरते हमसे बनता है, ना हमसे जिया जाता। बड़ी सुंदर बात है। वे कह रहे हैं कि आप तो चले जाते हैं अपने बंधु बांधवों से मिलने, और यहाँ हमारा एक एक पल आपके बिना कैसे बीतता है, या ये हम ही जानते। तत्रात कोटि प्रतिमा क्षणो भवे, रविम बिना क्षोरिव न सवाच्युत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान पधारे हैं और द्वारिका वासियों ने भगवान का दर्शन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन है, भगवान ने सभी का खूब महाराज सुंदर मीठी वाणी से आदर किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी को प्रणाम किया, और महाराज किसी को दृष्टि से भर से देख लिया, प्रसन्नता मुस्कुरा करके सबका भगवान ने सब प्रकार से आदर किया है। माता पिता से मिले हैं, माता पिता को देवकी और सुदेव जी को प्रणाम किया है, और फिर अपनी रानियों के महल में भगवान पधारे हैं। रानियों को तो महाराज इतना आनंद हुआ है कि वे आनंद में डूब गई, अपने शरीर की सुध भूल गई, और जो जो तैयारी उन्होंने कर रखी थी भगवान के आरती की, सत्कार की, स्वागत की, वो महाराज उनसे कुछ नहीं बना, और वे भगवान का दर्शन करके सुध बुध भूल गई। बहुत समय बाद उनको फिर अपने शरीर का भान हुआ, तब उन्होंने भगवान को अर्घ दे करके और अपने महल में पधराया है, और फिर उनके चरणों को धोया है, चरणामृत लिया है, भगवान की आरती करी है, और भगवान के चरणों का स्पर्श करके आहा वे निहाल हो गई है। तो इस प्रकार से भगवान पधारे हैं और सबने भगवान के दर्शन का सुख लिया है। अब आगे परीक्षित जी के जन्म की कथा है, आगे के अध्याय में उसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। अब तो पूर्ण समय हो गया, 7:45 बजने में है, 5 से 6 का समय है, लेकिन हम इतने आलसी प्रमादी, इतने लेट लतीफ आदमी हैं कि महाराज क्या कहें। अब